दोस्तों, अगर आप भी ऐसे ट्रेंडिंग व्हाट्सएप स्टेटस बनाना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए, क्योंकि अगर आप वीडियो को स्किप कर देते हैं तो आपको ये कैसे बनानी तो ये आपको समझ नहीं आएगी। इसलिए वीडियो को प्लीज़ पूरा देखिएगा, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर ऑन कीजिएगा, क्योंकि अगर अब मैं जो अपलोड वीडियो करूँगा वो सबसे पहले आपको मिलेगी। और लाइक बटन को ज़रूर दबाइएगा, जिससे हमें ये मोटिवेशन मिल सके कि हम आपके लिए ऐसी वीडियो हमेशा बनाते रहें। तो दोस्तों, इसके लिए आपको सिर्फ एक एप्लीकेशन की ज़रूरत होगी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और आप अगर आप प्ले स्टोर से डाउनलोड करना चाहते हो आपको वहाँ भी मिल जाएगा, जिसका नाम है KineMaster। ये एक बहुत अच्छी एडिटिंग ऐप है, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए, आप इसे और कई तरह की वीडियो बना सकते हैं। तो इसके लिए चलिए हम KineMaster को ओपन कर लेते हैं। KineMaster ओपन होने के बाद सिंपली दोस्तों आपको इसे प्लस के आइकन पर क्लिक करना है। इसके बाद आपको 16:9 का रेशियो सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस दिखेगा जो काफ़ी प्रोफेशनल लगता है। इसके बाद आपको मीडिया पर क्लिक करने के बाद बैकग्राउंड पर जाना होगा, और आपको कोई भी बैकग्राउंड चूज़ कर लीजिए आप, क्योंकि मैं तो बैकग्राउंड को हाइड कर ही दूंगा, इसलिए आपको बैकग्राउंड को चूज़ करने का कोई मतलब नहीं करता, आप जिस कलर का चाहें उस कलर का बैकग्राउंड चूज़ कर सकते हैं। इसके बाद आपको वीडियो जितनी लंबी होगी उसके हिसाब से उतनी बड़ी कर देनी चाहिए। वीडियो लगभग 42 सेकेंड की है तो मैं 42 सेकेंड कर देता हूँ, 42 सेकेंड हो चुका है। इसके बाद आपको फिर से इस लेयर पर क्लिक करना है, और आपको कोई भी इमेज या वीडियो सिलेक्ट करनी है। वैसे तो मैं इमेज सिलेक्ट कर लेता हूँ, मगर आप इसकी जगह पर वीडियो सिलेक्ट करके इसे और भी अट्रैक्टिव बना सकते हैं वीडियो को। तो इसके लिए आपको सिर्फ सिंपली इस मीडिया पर क्लिक करना है। इसके बाद आपको सिंपली उस इमेज को या वीडियो को सिलेक्ट कर लेना है जो आपको एडिटिंग में चाहिए। मैं ये फ़ोटो सिलेक्ट कर लेता हूँ। आपको इसको इस आइकन क्लिक करके इसे और बड़ा कर देना है, इतना बड़ा कि वाइट बैकग्राउंड दिखे ना। काफी छोटा हो गया है, इसे ओवर कर देते हैं। और इस पर क्लिक करके आपको इसे स्क्वायर करके और वीडियो को बैकग्राउंड के हिसाब से इसको सेट कर लेना है। यहाँ पे ओके प्लस क्लिक करना है। फिर आपको जाना है लेयर पे, और आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो की लिंक मिल जाएगी, उस वीडियो को आप डाउनलोड कीजिए, और उसके बाद आपको इस लेयर पे जाके इस मीडिया पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको उस वीडियो को सिलेक्ट कर लेना है जो मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। और उसके बाद आपको इसे भी वैसे एडजस्ट करना है जिसे पहले आप इस इमेज को सिलेक्ट एडजस्ट किए थे, बैकग्राउंड दिखना नहीं चाहिए। ये वीडियो बिल्कुल अच्छे तरीके से एडजस्ट हो चुकी है। इसके बाद आपको कोई भी सॉन्ग डाउनलोड करके इस पर इस ऑडियो पर क्लिक करनी है जो आपको पसंद हो, आपको जो सॉन्ग पसंद हो उस ऑडियो को सिलेक्ट कर लीजिए। मैं ये सॉन्ग सेलेक्ट कर लेता हूँ, हो चुका है। आप इस सॉन्ग पर क्लिक करके इसकी वॉल्यूम को और बढ़ा सकते हैं, इधर से ये 200 हो चुका, मगर वॉल्यूम कुछ ज़्यादा हो जाएगी इसलिए 100% सही है। आप उसकी कंप्रेसर को भी बढ़ा सकते हैं। इसके बाद आपको इस पर क्लिक करके बैकग्राउंड को पर क्लिक करना है, क्योंकि KineMaster को भी पता चल रहा है कि ये एक बैकग्राउंड म्यूजिक है। इसके बाद सिंपली आपको इस वीडियो पर क्लिक करना है जो मैंने लिंक पर दी थी, इस पर क्लिक करके इसे स्क्रॉल करके नीचे जाना है, और आपको इस ऑप्शन पे क्रोमा की ऑप्शन में क्लिक करनी है। इसके बाद आपको सिंपली सिर्फ इस बटन को दबा देना है। ये हो चुका है इनेबल।
अब देख सकते हैं कि लगभग वीडियो लगभग तैयार ही हो चुका है। अब देख सकते हैं कितना अट्रैक्टिव लग रहा है। इसके बाद सिंपली आपको सिर्फ इस ऑप्शन पर क्लिक करके बैक जाना होगा और आप इस ऑप्शन पर क्लिक करके इसको देख भी सकते हैं कि कैसा लग रहा है। कोई प्रॉब्लम हो तो आप दोबारा इसे एडिट कर सकते हैं। और इसके बाद आपको इस शेयर के ऑप्शन पर जाना होगा, इस शेयर के ऑप्शन पर। इसके बाद आपको जितनी क्वालिटी में चाहिए आप उसमें उतनी अच्छी क्वालिटी में यहाँ पे एक्सपोर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको 360 पिक्सल, HD पिक्सल, HD पिक्सल एंड FHD पिक्सल, मतलब फुल HD मिलती है। फुल HD में आप करेंगे तो आपको 156 MB, जो काफ़ी ज़्यादा है। आप HD कर लीजिए वो भी एक काफ़ी रहेगा। आप इसे यहाँ पे हाई लो भी कर सकते हैं। आप जितना हाई करेंगे उतना इसकी क्वालिटी ज़्यादा रहेगी और इसकी साइज ज़्यादा रहेगी। इसके बाद आपको सिंपली से एक्सपोर्ट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। बस एक्सपोर्ट के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद थोड़ा लगभग 5 मिनट या 2-3 मिनट लगेगा एक्सपोर्ट होने में। इसके बाद आपको ये गैलरी में ये वीडियो चली जाएगी। इसके बाद आप इसको अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाकर आप खुद वीडियो बना के इस, मतलब आप जब इसे व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाएंगे तो आपको बहुत अच्छा फील होगा कि मैंने इस वीडियो को बनाया है। दोस्तों अगर आप ऐसी वीडियो हमेशा देखते रहना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, जिससे हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आपको मिले।